एक चीज उस दिन तय कर ली थी कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के सबका साथ सबके विकास के मंत्र को अंगीकार करते हुए कार्य करेगी। हमने विकास की योजनाओं को सबको दिया, योजनाओं का लाभ सबको दिया, विकास सबका किया, लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं किया। और अगर कोई इसे हमारी कमजोरी मानता है तो यह कमजोरी हमेशा हमारे साथ रहेगी, क्योंकि राष्ट्रवाद हम सबका संस्कार है। अपने इस राष्ट्रवाद के मुद्दे से हम लोग कभी भी विचलित नहीं होंगे। दूसरा, कोई भारत विरोधी तत्व है और कोई हिंदू विरोधी तत्व कैसे स्वीकार कर लेगा मोदी जी को और योगी जी को? कभी नहीं स्वीकार करेगा। मैं अपनी गर्दन काट करके तस्तरी में उसके सामने प्रस्तुत कर दूं तो भी वह मुझे कोसेगा ही, मुझ पर विश्वास उसको नहीं करना है, ना पहले करता था, ना आगे उसको करना है, और ना ऐसे तत्वों की हम परवाह करते हैं। मेरी प्रतिबद्धता प्रदेश की 25 करोड़ जनता है, बिना भेदभाव के कानून का शासन उनके लिए स्थापित करना है, और हम लोग उन लक्ष्यों को लेकर के चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जो गलत फहमी के शिकार हैं और आंकड़ों अंक गणतीय आंकड़ों को प्रदेश में थोपने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है किसी गलत फहमी के शिकार होंगे। ये चुनाव 80-20 का होगा, 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा, और मुझे लगता 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे, लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी, बीजेपी फिर सबका साथ सबके विकास के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.